सहज घाटी जो है वो भारी बारिश के बाद बुरी तरीके से दो भागों में बंट गई है। तस्वीरें अगर आप मेरे साथ देखें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये बाढ़ से जो है वो एक हिस्सा कट गया है और ये जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तो दोनों हिस्से बिल्कुल जो बारिश के कारण अलग थलग हो गए हैं, दोनों हिस्से यहाँ पर कट चुके हैं। काफी नुकसान जो है वो लोगों का यहाँ पर हुआ और काफी कुछ लोग आरोप भी जो है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। किस तरीके से तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बारिश के बाद 3 दिनों के बाद लोगों को जानकारी मिली कि यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में आज जो है वो विक्रमादित्य सिंह जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री है वो भी यहाँ का दौरा करने के लिए पहुंचने वाले हैं और लोग जो है वो यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है नुकसान यहाँ पर हुआ था और क्या कुछ लोगों को परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ा था। कुछ लोग यहाँ मौजूद है, उनसे बात करना चाहते हैं। जी, शनिवार से लगातार बारिश का दौर शुरू हुआ था, किस तरीके का मंजर यहाँ था और कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है? नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान हो गया जी, और यहाँ का कोई मार्को अलर्ट नहीं हुआ, जो एनएचपी से हमारी नदी छोड़ दी, इसके बाद हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। लोग और भी यहाँ मौजूद है, आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी है, कितना नुकसान आपका हुआ है और क्या कुछ जो तब से लेकर हमारा नुकसान क्या बता सकते हैं? हमारी पूरी दुकानें चलेगी, पूरा हमारा रोजगार चला गया, ये सब जो है एनएचपीसी की वजह से हुआ। इन्होंने बाजार से पीछे, सर कौन बोलते है कि मकिंग फेंक दो, बाजार से पीछे इन्होंने पता नहीं ढेरों ढेर मकिंग जहां मर्जी फेंकी हुई, और ऊपर से इनका बनता है, जब रेड अलर्ट बोला हुआ था डीसी साहब ने डिक्लेयर किया था, इनका फर्ज बनता था कि ये जो है डैम को खाली कर दे पहले। बात अगर करें तो जो कैबिनेट मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तस्वीर अगर आप देखें तो हम मेरे के साथ देख सकते हैं दूसरी तरफ की तस्वीरें, जो कैबिनेट मंत्री है विक्रमादित्य सिंह वो भी यहाँ का दौरा करने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। वो स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगे और उनकी समस्याओं को भी जानेंगे, लगातार वो क्षेत्र के दौरे पर है। पिछले कल अगर बात किया तो पिछले कल मंत्री जो है वो कुल्लू के दौरे पर थे, भुंतर गए, मनाली गए, और आज वो सैंज के दौरे पर है और उससे पहले वो कसोल और मणिकंड के दौरे पर गए हुए थे, वो भी यहाँ पर जनता के साथ मिलने पहुंचे। फिलहाल के तौर पर जो सांसद प्रतिभा सिंह है वो यहाँ पहुंचे हुए और जनता के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लगातार जो जनता है वो भी उनसे मिल रही है और अपनी जो समस्या है वो उन्हें बता रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो लगातार 2 दिनों से कुल्लू जिला का दौरा कर रहे थे और कुल्लू जिला पहुंचने के बाद बीते कल वो भुंतर गए, उसके बाद वो मनाली गए और आज मणिकंड के बाद वो सैंज के दौरे पर पहुंचे हैं। राज साहब, आज आप 2 दिनों से लगातार दौरा कर रहे हैं, यहाँ भी आप पहुंचे, किस तरीके से जो प्रभावित है उनका नुकसान है उनको राहत पहुंचाएंगे? नहीं, बिल्कुल, हम राहत पहुंचाने भी आए हैं और यहाँ का मुआयना करने भी आए हैं और किस तरीके से इस इलाके को फिर से डेवलप करना है सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, उस चीज़ के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं, उनका दुख दर्द समझने के लिए आए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ का जो है वो निरीक्षण किया है और हम भी लोगों के बीच में इसीलिए आए हैं कि लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हर संभव सहायता जो है वो लोगों की करी जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हम यहाँ का सारा जो निरीक्षण है, जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे और उसका केंद्र से भी मदद मांगेंगे और प्रदेश सरकार की ओर से भी मदद करें। बिल्कुल, तो कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ पहुंच चुके हैं और वो लोगों से बातचीत भी कर रहे थे और उन्होंने भी कहा है कि केंद्र सरकार की समस्या मुद्दा उठाएंगे और जो यहाँ के लोगों की समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास भी इनकी ओर से किया जाएगा।